हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास एक लोकल टीवी है जो 14 इंच का टीवी है, जो टेलीविस्टा कंपनी का। उसका प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं, नीचे साइड कोई पिक्चर नहीं है, ऊपर साइड भी पिक्चर है, थोड़ा सा बाहर होकर आ रहा है पिक्चर। और वेलकम जो लिखा मिडिल में आना चाहिए वो लिखा हमारा ऊपर साइड पर आ रहा है। मतलब इसका वर्टिकल सेक्शन का कुछ फॉल्ट है, जो हमारा वर्टिकल का सेक्शन का प्रॉब्लम है उसको खोल के दिखाऊंगा, उसका सलूशन भी बताऊंगा। तब तक मेरा चैनल को देखते रहिए। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो मेरा जब भी ऐसे वाला वीडियो लेकर आऊँगा तो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन करके आप लोगों को इसका फॉल्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद दे रहा हमारा पीसीबी, जो हमारा लोकल पीसीबी होता है। इस पीसीबी पे आज देखूंगा इसका जो फॉल्ट आया है, जो वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट, वो वाला सेक्शन का फॉल्ट आप लोगों को सॉल्यूशन करके बताऊंगा। इसका प्रॉब्लम क्या है वो भी बताऊँगा। उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, टीवी पे जो हमारा कुछ ज़रूरत वोल्टेज होता है वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हमारा आगे वाले सिस्टम पर जाऊँगा। उसके लिए क्या करूंगा, मेरा जो 110 वोल्ट जो हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई से निकलता है वो वाला वोल्टेज देख लिया, जो 110 वोल्ट है। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा वर्टिकल सेक्शन के लिए दिया गया है, दो वोल्टेज यहाँ पे देखिए, एक वोल्टेज हमारा माइनस पे है, एक वोल्टेज हमारा प्लस पे है। जो हमारा कुछ कुछ जो जो टी वी पे हमारा ESD से दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये वाला हमारा पावर सेक्शन से दिया गया है। ये वाला वोल्टेज हमारा माइनस जो वोल्टेज होता है, माइनस 14 वोल्ट जो हमारा वर्टिकल आईसी के लिए दिया गया है, और प्लस 14 वोल्ट जो हमारा वर्टिकल आईसी के लिए दिया गया है। ठीक है, ये दोनों वोल्टेज भी सही है। और एक वोल्ट होता है हमारा जो हमारा हॉरिजेंटल जो हमारा छोटा सा कॉयल होता है, जो हमारा हॉरिजेंटल सिंक के लिए तैयार कर हॉरिजेंटल सिंक तैयार करता है, उसके लिए एक वोल्टेज दिया गया है, जो वोल्टेज हमारा यहाँ पे 14 वोल्ट दिखा रही है, आप लोग देख सकते हैं। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए दिया गया है, 19 वोल्ट तक होता है, जो यहाँ पे देखिए 9.4 है। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा 14 वोल्ट 16 वोल्ट होता है, जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, मेरा पावर सेक्शन से सभी वोल्टेज ओके दिखा रही है, लेकिन दोस्तों हमारा जो आज का वर्टिकल का प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम को देखेंगे और पता करेंगे हमारा सिस्टम पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, जो हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करूँगा, ये वाला जो वर्टिकल आईसी है, ये वाला वर्टिकल आईसी पे जो हमारा आईसी से मेरा सिस्टम आईसी से फ्लिप आता है जो वर्टिकल आईसी के लिए, वो वाला सिस्टम को चेक करेंगे। उसके पहले यहाँ पे जो जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज को पहले चेक करेंगे। ये हमारा प्लस 14 वोल्ट का वोल्टेज, और मिडिल पे माइनस 14 वोल्ट का वोल्टेज, और लास्ट पे हमारा यहाँ पे प्लस 14 वोल्ट का वोल्टेज। ठीक है, तीनों वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हमारा वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट रह गया है और हमारा सिस्टम चालू होके बंद पड़ जाता है। उसके लिए भी चेक करूँगा। उसके लिए क्या करूँगा, पहले तो मैं वर्टिकल आईसी को ओपन कर लूँगा, ओपन करके देखूँगा और कहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बाद मैं नया वाला वर्टिकल आईसी लगाऊंगा, लगाने के बाद पता चलेगा हमारा सिस्टम पे कहाँ और प्रॉब्लम है, या कुछ हमारा जो वर्टिकल आईसी लगाने के बाद हमारा सिस्टम चालू हो गया है। ठीक है, मैं पहले वर्टिकल आईसी को ओपन करके नया वाला वर्टिकल आईसी लगा लेता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं टीवी का जो वर्टिकल आईसी था वो वर्टिकल आईसी को मैंने निकाल लिया हूँ। निकालने के बाद ये रहा हमारा वर्टिकल आईसी, इसका नंबर आप लोग दिखाते हूँ। इसका नंबर धुआसा हो गया है, इसका नंबर देख सकते हैं 78040 का वर्टिकल आईसी है। ये वाला वर्टिकल आईसी के बदले में मैं ये नया वाला वर्टिकल आईसी लगाऊंगा, इसका नंबर आप लोग देख सकते हैं 78040। ये वाला वर्टिकल आईसी लगा के हमारा जो प्रॉब्लम है, ऊपर साइड पे पिक्चर है, नीचे साइड पे कोई पिक्चर नहीं है, वो वाला प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसको लगा के हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे, उसके बाद मैं टीवी को चालू करके आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो आईसी को ओपन किया था उसको लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं टीवी पे लाइन दूंगा, लाइन देने के बाद मैं टीवी को चेक करूँगा, जो हमारा प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होना चाहिए।
जो हमारा आधा सा पिक्चर था वो हमारा पूरा सा पिक्चर हो गया है। आप लोग देख सकते हैं वेलकम जो लिखा आ रहा था वो ऊपर साइड पे चला गया था और नीचे साइड पे हमारा काला सा बॉर्डर हो गया था और हमारा पिक्चर नहीं था नीचे साइड पे। वो हमारा पिक्चर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। उसके बाद मैं और एक कुछ वोल्टेज दिखा देता हूँ जो हमारा सिस्टम पे काम करता है। जो वर्टिकल आईसी का जो वोल्टेज होता है वो तो आप लोगों को बता दिया हूँ मैं, पावर सेक्शन से निकलता है। उसके बाद मैं बताया था आप लोगों को रेगुलेटर सिस्टम पे एक वोल्टेज आता है जो हमारा 10 वोल्ट, जो 10 वोल्ट आउटपुट होके हमारा पावर सेक्शन से आउटपुट होके जो हमारा वोल्टेज जाता है वो वाला वोल्टेज हमारा तैयार करता है 2 वोल्टेज, जो हमारा होता है 8 वोल्ट और 5 वोल्ट। यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है ये ट्रांजिस्टर हमारा 5 वोल्ट तैयार करता है और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ होता है ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा वोल्टेज जो तैयार करता है वो वाला वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट जाता है। यहाँ पे जो हमारा ट्यूनर सेक्शन है ट्यूनर सेक्शन पे जाता है। आप लोग देख सकते हैं हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया है, इसीलिए हमारा टीवी चालू है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को वोल्टेज दिखा देता हूँ। और एक वोल्टेज तैयार करता है जो हमारा 8 वोल्ट होता है, जो हमारा सिस्टम पे जो हमारा आईके के लिए काम करता है सिस्टम, वो आईके के लिए यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है जो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 8.4 वोल्ट, मतलब 8 वोल्ट हमारा तैयार है। और एक दो जो वोल्टेज तैयार होता है जो हमारा ईएसटी सेक्शन से, ईएसटी सेक्शन से हमारा एक वोल्टेज तैयार करता है जो हाई वोल्टेज तैयार करता है, वो हमारा 180 वोल्ट और हमारा 180 वोल्ट तक तैयार करता है, जो हमारा सिस्टम को हमारा बेसबोर्ड को सप्लाई देता है और हमारा कलर फिल्टरिंग करने के काम आता है। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा हीटर, जो हमारा टीवी का जो फिलामेंट होता है, जो हमारा फिलामेंट टीवी पे अंदर में जलता है वो वाला फिलामेंट को जलने के लिए तैयार होता है, जो हमारा एसी 4 वोल्ट तक हो सकता है एसी पे। ठीक है, मैं सभी करीब करीब वोल्टेज आप लोगों को बता दिया हूँ। और हमारा टीवी भी सही हो गया है, जो हमारा आज का जो प्रॉब्लम था टीवी का। ठीक है, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो आप लोगों को जब भी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।